इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कह सकते हैं और बहुत इजी चैप्टर भी है। ठीक है, तो आज हम इस सेशन में, इस लेक्चर में आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। जैसे हेडिंग से ही मालूम हो रहा है, मैं आपसे ही पूछूं कि भाई आपके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो आप क्या कहोगे कि भाई टेंथ का एग्जाम आ रहा है, फाइनल एग्जाम हम लिख ले, अच्छे परसेंटेज आ जाए, डिस्टिंक्शन आ जाए हमारा, अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए, तो हमारे लिए तो यही डेवलपमेंट है। वैसे ही हर एक इंसान के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब बेटा अलग होता है, लेकिन हमें दूसरों से क्या मतलब, हमें तो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से मतलब है, हाँ या ना, कि इसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो ठीक है बेटा, हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हैं वो उसके हमने नोट्स बनाए हैं और वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हर एक इंसान का डेवलपमेंट का जो मतलब होता है, जो गोल होता है बेटा, अलग होता है, डिफरेंट होता है। व्हाट मे बी डेवलप फॉर वन मे नॉट बी डेवलप फॉर द अदर। ठीक है, और आगे क्या करा है, इट मे इवन बी डिस्ट्रैक्टिव फॉर द अदर। कह रहा है कि हर एक इंसान के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब तो अलग होता है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा कि हर एक इंसान का डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है। दूसरी बात, इन्होंने क्या बताया कि एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके शहर में मेट्रो बन रहा है, ठीक है, तो एक तरह से तो आप दिखा रहे हो कि भाई लोगों को बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी, लोग इजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस को जाएंगे। लेकिन जो मेट्रो बन रहा है बेटा, तो मेट्रो बनाने में बहुत सारे शॉप्स आए होंगे, बहुत सारे घर आए होंगे, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं कि जंगल भी आए होंगे। तो भाई जंगल आया होगा तो आपने पेड़ कट किया होगा, तो आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो। बहुत सारे आपने शॉप्स आ गए होंगे, तो शॉप्स को आपने क्या किया, तोड़ा, हाँ या ना। बहुत सारे घर आ गए होंगे उस लाइन में, तो आपने घर को भी तोड़ा। तो एक साइड तो डेवलपमेंट हो रहा है, बस दूसरी टाइप क्या हो रहा है, रिस्ट्रक्टिव हो रहा है ना। तो वन पर्सन के लिए डेवलपमेंट, दूसरे के लिए क्या होगा बेटा, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हम लोग टॉपिक पे ही है, यस और नो? यस, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे जो गिवन है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। इनकम एंड अदर गोल्स, अब ये क्या है भाई, इनकम एंड अदर गोल्स का क्या मतलब होता है, आइए टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, व्हाट पीपल डिजायर रेगुलर वर्क। हर एक इंसान चाहता है कि भैया हमें रेगुलर वर्क मिल जाए, हम रेगुलरली काम करें, बेटर वेजेस, अच्छे वेजेस मिले, ठीक है, पैसे, डिसेंट प्राइस फॉर द क्रॉप्स। अब ये फार्मर्स की बात होगी कि फार्मर्स के जो क्रॉप्स हैं उसे डिसेंट प्राइस पे मिल जाए। भैया डिसेंट समझ रहे हो ना, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, ठीक है। अदर प्रोडक्ट दैट मे प्रोड्यूस, इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। सिंपल वे में अगर कहा जाए भैया, तो हर एक इंसान चाहता है पैसा, ठीक है, उसके लिए वही डेवलपमेंट है। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे कंसिडर किया जाता है डेवलपमेंट में, तो वो सारी चीजें क्या है बेटा, पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। हर एक इंसान चाहता है कि भैया उसे इक्वली ट्रीट किया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, उसको फ्रीडम दिया जाए, उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए, उसको रेस्पेक्ट भी दी जाए, दूसरों से दूसरों उसका रेस्पेक्ट भी करे। समझ में आ रही बात, द रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, हाँ या ना। तो भाई पैसा तो है, उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी आती हैं आपके गोल्स में, हाँ या ना। आपका गोल्स क्या है सोच लो, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक द मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट की बात होगी लेकिन उसके साथ साथ मिक्स ऑफ गोल्स की भी बात होगी। मिक्स ऑफ गोल्स का मतलब समझ में आ रहा है ना भैया, अभी हमने जैसे पढ़ा है कि भाई हमें इनकम तो चाहिए चाहिए, उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी चाहिए, उसके साथ साथ रेस्पेक्ट भी चाहिए, हाँ या ना, वो सारी चीजें। इट इज ट्रू इफ वुमेन आर एंगेज इन द पेड वर्क द डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। अगर कोई वुमेन है जाके बाहर काम कर रही है, ऑफिस में जाके काम कर रही है, वहां भी काम कर रही है, घर पे आ रही है, घर का भी काम कर रही है, तो बताओ उनका सोसाइटी में भी रेस्पेक्ट होता है, उनकी आप बोल सकते हो कि हाउस होल्ड घर में भी उनका रेस्पेक्ट होता है,
हाँ यारा, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। चलो भैया अभी तक तो ह्यूमन की बात कर रहे थे, ह्यूमन 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 ह्यूमन, अब बात करेंगे नेशनल नेशनल। नेशनल डेवलपमेंट कब होगा, नेशन का डेवलपमेंट कब माना जाएगा, आइए देखते हैं। डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशन ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि भैया बताओ कंट्री का डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे यार हमारे कंट्री में अच्छे रोड्स नहीं है, रोड्स बन जाने चाहिए। फिर कोई कहेगा अरे नहीं हमारे कंट्रीज में हॉस्पिटल की कमी है, हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। फिर कोई कहेगा अरे नहीं हमारे कंट्री में स्कूल कॉलेजेस की कमी है, वो बन जाना चाहिए। समझ में आ रही बात, हाँ या ना? कोई बोलेगा अरे यार डैम्स नहीं है, डैम बन जाना चाहिए। तो हर एक इंसान के अकॉर्डिंग नेशन डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। चलो अब यार नेशनल डेवलपमेंट की तो बात हो गई भैया, अब नेशनल डेवलपमेंट की जब हमने बात कर ली तो अब हम कंपेयर करने की बात करेंगे कि भाई हम अपनी कंट्री को दूसरे कंट्री से कैसे कंपेयर करें, कैसे बताएं कि हमारी कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप, क्या है रीजन, वो कंडीशन क्या है बता दीजिए। आइए देखते हैं, हाउ सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप एंड अदर अंडर डेवलप। आप जनरली नॉर्मली आप सुनते हो गए यार हमारी कंट्री तो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है, या दूसरी कंट्री अमेरिका है, ठीक है, जापान है, चाइना है, फ्रांस है, ठीक है, जो भी है, सारे यूरोपियन कंट्रीज डेवलप कंट्री है, सुनते हैं या नहीं? किस बेसिस पे आप कहते हो कि हमारी कंट्री अंडर डेवलप है और दूसरी कंट्री डेवलप है? कुछ बेसिस होंगे ना, कुछ रीजन होंगे ना, उस रीजन के बिहाफ पे आप आंसर देते होंगे ना। आइए देखते हैं, बिफोर वी कम टू दिस लेट अस अनदर क्वेश्चन। चलिए यहां तो आएंगे, इस क्वेश्चन पे तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दैट वी हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। अगर आप किसी कंट्री को किसी कंट्री से अगर आप क्या कर रहे हो बेटा, कंपेयर कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके कंट्री उस कंट्री से सिमिलर होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे भी होंगी जो कि आपके कंट्री से दूसरी कंट्री डिफरेंसेस भी होंगे, होंगे ना? यस। अब वो क्या चीजें बेटा, विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम। तो बताओ किस बेसिस पे आप कंपेयर करोगे, समझ में आ रही या नहीं आ रही बात? भाई कंपेयर करने की बात हुई, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके पास भी और दूसरे कंट्रीज के पास भी है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि आपके पास तो नहीं है लेकिन उनके पास है, तो किस बेसिस पे आप कंपेयर करोगे यार? ठीक है, उसका भी आंसर ढूंढेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, ये वाला, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। चलिए ये तो कंट्री की बात हो गई कि भाई कंट्री को कैसे आप कंपेयर करोगे। अगर स्टूडेंट को कंपेयर करने की बात हो गई तो भाई स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करोगे? दे डिफर इन देयर हाइट, हाइट में अलग होंगे, हेल्थ में अलग होंगे, टैलेंट्स में अलग होंगे, इंटरेस्ट में अलग होंगे, तो किस बेसिस पे आप कंपेयर करोगे बताओ? अगर एक क्लास में बैठे हैं बच्चे, आपको कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर करोगे? हाइट के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे, किसके अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे, हेल्थ के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे, किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे? ठीक है, द हेल्थियस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। ये भी तो हो सकता है कि जो सबसे हेल्दी है शाहरुख खान और सलमान खान है, तो पढ़ने में अच्छे ना हो, हो सकता है। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मे नॉट बी द फ्रेंडली लिस्ट वन। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज है लेकिन फ्रेंडली नहीं है। बात समझ में आ रही है? किस बेसिस पे आप क्या करोगे? सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट, किस बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो यार? सिंपल सी बात है, उनके मार्क्स पे, मार्क्स बेसिस पे कंपेयर कर दो कि भाई जिसके मार्क्स अच्छे हैं वो अच्छा है पढ़ने में, जिसके मार्क्स गंदे हैं वो पढ़ने में बहुत पुअर है, गंदा है। समझ में आ रही बात, हाँ या ना? तो इस बेसिस पे इन्हें कंपेयर किया जा सकता है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट की बात, भाई हम तो कंट्री की बात कर रहे हैं, भाई ये कंट्री वाला बात तुम बता नहीं रहे हो, आ जाओ वो भी बताएंगे। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। कंट्री की बात हो गई तो बेटा किस बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे? इनकम के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। समझ में आ रही या नहीं आ रही बात? वी कंपेयर एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जो एवरेज जो नंबर्स निकल के आएंगे उसी को हम कहते हैं एवरेज इनकम। इस बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, ना कि टोटल इनकम पे। टोटल इनकम पे कंपेयर नहीं कर सकते, एवरेज इनकम पे कंपेयर कर सकते हैं कंट्री को। रीजन क्या है बेटा? ठीक है, रीजन तुम ही समझ लो। अब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी तो इनकम भी ज्यादा होगी। कोई कंट्री ऐसी है जहां पे उसकी पॉपुलेशन कम है तो उसकी इनकम भी कम होगी, जनरली हो सकता है ना। तो हम टोटल इनकम पे कंपेयर नहीं करेंगे, कंपेयर किसके बेसिस पे करेंगे? एवरेज इनकम पे कंपेयर करेंगे। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। और एवरेज इनकम का एक और नाम है, जैसे आपका भी नाम होगा चुन्नू मुन्नू कुछ तो नाम होगा, वैसे ही एवरेज इनकम का एक और नाम है। क्या नाम बेटा?
पर कैपिटा इनकम। आ रही है बात समझ में? यस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री? अच्छा, अब कंट्री का इनकम क्या है? बड़े गंदे इंसान हो यार। द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, अगर ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, आपके कंट्री में जितने लोग हैं रेसिडेंट्स हैं, उनकी सारी कम उस सारे रेसिडेंट के इनकम को ऐड कर दो, वही इनकम क्या कहलाती है? बताओ ना, हमारी टोटल आप बोल सकते हो इनकम कहलाती कंट्री की। दिस इज गिव द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, यही बताता है हमारी कंट्री का टोटल इनकम। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज इनकम, ठीक है, इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, कंट्री को कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्या सिर्फ एवरेज बेसिस पे ही कंपेयर करना है या कोई और भी बेसिस होगा उसमें ऐड किया जाएगा कंपेयर करने के लिए कंट्री को, वो सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। आ जाओ बेटा, लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज ए एंड बी। हम किसी कंट्री का नाम नहीं लेते, हम लोग बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, तो किसी कंट्री को हम नाम लेके उसे अंडर डेवलप और डेवलप की बात क्यों करें, ए एंड बी रख लेंगे। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी हैव अज्यूम ओनली 5 सिटीज इन ईच। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए, आपके इजी वे में आपको समझाने के लिए हम इस एग्जांपल को लेंगे, एक 5 सिटीजंस को लेंगे। बेस्ड ऑन डेटा गिवन इन 1.2 कैलकुलेट द एवरेज इनकम बोथ द कंट्रीज। आइए हम कैलकुलेट करते हैं, कंट्री ए है और कंट्री बी है। देखिए, अगर इसे आप ऐड करेंगे 9,500, 10,500, 9,800, 10,000+10,200, बेटा ये टोटल आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, टोटल आएगा बेटा 50,000 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या हो जाएगा 10,000। हाँ या ना? अब यहाँ देखिए 500, 500, 500, 500, 48,000, जो फिफ्थ पर्सन है बहुत रिच है, इसने 48,000 सीधे अर्न किया, इसका भी टोटल आ रहा कितना बेटा 50,000। हाँ या ना? डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है बेटा, अब बताओ, देखने में तो एवरेज इनकम दो का भी सेम है, कंट्री ए का भी एवरेज इनकम आ रहा 10,000, कंट्री बी का भी एवरेज इनकम आ रहा 10,000, बट एक चीज बेटा डिफरेंस है, यहाँ कंट्री ए में देखो तो ऑलमोस्ट सभी की इनकम 10,500, 9,800, 10,000 ऐसे आ रहा है, बट कंट्री बी की अगर बात करते बेटा, सभी 4 जो ऐसे रेसिडेंट्स है जिसकी इनकम 500 है और 5th रेसिडेंट्स ऐसा जिसने 48,000 कमाया है। बात समझ में आ रही है? तो क्या ये सही है? नहीं। क्यों नहीं है? कि ये 4 लोग गरीब हैं, एक ही रिच है वहां पे, और उसकी वजह से यहाँ जो एवरेज इनकम है बेटा 10,000 आ रहा है, और यहाँ पे जो 5 पर्सन है कंट्री ए में, इन सभी की इनकम इक्वली है, ऑलमोस्ट इक्वल है, तो उसका भी 10,000 आ रहा है। लेकिन क्या ये सही बेसिस होगा एवरेज इनकम के बेसिस पे ये डिसाइड करना कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा डेवलप है? नहीं होगा। तो क्या करे, कोई और भी चीजें ऐड किया जाए, देखा जाए कि उसे ऐड करके भाई उस बेसिस पे आप बता दो कि कौन सी कंट्री डेवलप है। हाँ या ना? समझ में आ रही बात? तो ये मेथड भी उतना सही नहीं माना जाता है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब ये क्या है, व्हेन वी लुक इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल्स वी फाउंड द पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट एंड अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा इन माइंड। हर एक इंसान को चाहिए यार, आपको पैसे चाहिए, पैसे के साथ साथ आपको रेस्पेक्ट भी चाहिए, आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, आपको इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, आपको फ्रीडम भी चाहिए, चाहिए ना? हाँ या ना? ठीक है, तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, भैया इनकम तो चाहिए चाहिए, साथ साथ ये सारे क्राइटेरिया भी इंसानों को चाहिए। हाँ या ना? व्हेन वी थिंक ऑफ द नेशन और रीजन वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ द अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। बात समझ में आ रही? तो एवरेज इनकम के साथ साथ ये सारी चीजें भी आपको चाहिए। मान लीजिए आपको जॉब दे देगा 1,00,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको डेली पिटाई की जाती है, डेली बोला जाता है कि पूरा फर्श क्लीन करो, ठीक है, आपको इनह्यूमन वे में ट्रीट बिहेव किया जाता है, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। पैसे के साथ इन सारी चीज़ें होंगी तो ही आप कहीं भी अच्छे से रिस्पेक्टफुली पीसफुली आप काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया समझ में आया कि नहीं है, कि इनकम के साथ ये सारी चीज़ें चाहिए आपको, सिक्योरिटी चाहिए आपको, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए आपको, फ्रीडम चाहिए। हाँ या ना? यस। आगे बढ़े, चलिए। पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्ट स्टेट्स, अब यहाँ पे आ गए। अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, स्टेट्स की बात की जाए, तो हरियाणा का देखो 2,36,147 है, केरला 2,04,000 है, और बिहार की अगर बात की जाए तो 40,982 है। बेटा ये बात हो रही है पर कैपिटा इनकम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पर कैपिटा इनकम को भी एवरेज इनकम ट्रीट किया जा सकता है। तो क्या इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हरियाणा इज द डेवलप्ड स्टेट्स कहा जा सकता है? बोलो, क्योंकि
केरला और हरियाणा में कितना का डिफरेंस है बेटा? 32,000 का ही सब डिफरेंस है। क्या इस बेसिस पे कहा जा सकता है? नहीं। क्यों भैया? उसके साथ साथ आपको इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट भी देखना होगा। ये क्या होता है कि वैसे बच्चे जो कि एक साल से पहले मर जाए वो अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते। तो उस वे में अगर देखें तो हरियाणा में 30 ऐसे हैं, 1000 में 30 बच्चे ऐसे हैं जो कि मर जाते हैं। केरला में 7, बिहार में 32। तो सबसे कम यहाँ कौन मर रहा है बेटा? इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट सबसे कम जिसके उसे अच्छा माना जाएगा वो कौन है? केरला। लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए बेटा तो यहाँ पे देखा जाए तो हरियाणा में 82% लोग लिटरेट है। अगर केरला में देखा जाए तो 94% लोग लिटरेट पढ़े लिखे, और बिहार में तो भैया 62% कम लोग पढ़ रहे, पढ़ेंगे यहाँ भी लोग, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो की अगर बात कीजिए तो ये क्या होता है कि वैसे लोग जिसकी उम्र बेटा 7 से ज्यादा हो, सॉरी, चिल्ड्रन ऑफ एज 49-15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। 14 और 15 की बात हो रही है, वैसे बच्चे जो कि स्कूल अटेंड करके हैं, तो वैसे अगर देखा जाए तो 61 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, 100 में जो कि हरियाणा में अटेंड करते हैं स्कूल, 83 और बिहार में 43। बताओ अब इस बेसिस पे देखा जाए तो फिर बेस्ट कौन आ रहा है? केरला आ रहा है। तो ठीक है, जब भी पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो उसमें इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट को भी इंक्लूड किया जाए, लिटरेसी रेट को भी देखा जाए और नेट अटेंडेंस रेशियो भी देखा जाए, फिर आप डिसाइड करो कि कौन सी कंट्री या कौन सी स्टेट डेवलप है। सिर्फ इनकम के बेसिस पे अगर आप डिसीजन देते हो तो बेटा प्रॉब्लम है। समझ में आ रही है बात? आइए, मुस्कुराइए, आगे बढ़िए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR क्या है आइए देखेंगे। इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट, इनएडिक्वेट मेजर्स ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब क्या है यार, ये क्या मतलब है? ये देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP, कौन बेटा, किसने पब्लिश किया? UNDP पब्लिश करता है। कौन? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, UNDP। अब ये किस बेसिस पे पब्लिश करते हैं सुन लो। दे कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल, बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल, ओके, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। इस बेसिस पे ये बताते हैं कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है। बात समझ में आ रही? कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल, बेस्ड ऑन हेल्थ स्टेटस, बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम। इस बेसिस पे ये कंपेयर करते हैं कंट्री को दूसरे कंट्री से, ऑफ ए रैंकिंग करते हैं। तो UNDP अच्छा है ना? UNDP अच्छा है या नहीं है? हाँ या ना, बोलो ना, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए यहां पे UNDP की अगर बात की जाए, सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2021 GNI ग्रॉस नेशनल इनकम। अगर बात की जाए भाई, हमसे अपनी कंट्री की बात करते हैं, 6590 था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो 67.2%, नॉट बैड, ठीक है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ एज पीपल एज 25 एंड अबव 6.7%, ठीक है बेटा। कंपेयर टू अदर्स हम भी स्टेबल है। HDI की अगर बात कीजिए तो हम हैं 132। ये जो 132 रैंक बेटा 189 कंट्रीज में लिया गया है। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। अब ये बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज इजी टू कैलकुलेट। क्या करेंगे बेटा? टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन द किलोग्राम, ठीक है। जो वेट है उस वेट को हम किस में लेंगे? किलोग्राम को लेंगे। और हाइट को क्या करेंगे बेटा? मीटर में लेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे और फिर एक जो नंबर आएगा उस नंबर से आप अपने हाइट और आप अपने वेट के अकॉर्डिंग उसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। हाँ या ना? एक टेबल गिवन होता है, उस टेबल में गिवन होता है कि भाई आपका हाइट अगर मान लो 5 feet 10 inches है या जो भी है, और उसका वेट गिवन होगा कि भाई अगर आपका 5 feet के आप हो तो आपका वेट होना चाहिए 60 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर मैच करेंगे कि आपने जो ये कैलकुलेट किया है, इस कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं क्या वो नंबर्स उससे मैच हो रहा है या नहीं। तो ऐसे करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हो BMI, क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? पब्लिक फैसिलिटीज। अब ये क्या है? मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव विद। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो पैसा ही सब कुछ नहीं है जिसके हेल्प से आप हर चीज कर सकते हो, ठीक है। इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजंस आर एबल टू यूज। समझ में आ रही बात? क्या कह रहा है?
कि इनकम ही सब कुछ नहीं है, ठीक है, मटेरियल थिंग्स नहीं है, इनकम ही मटेरियल थिंग्स नहीं है जिसके हेल्प से आप सारे सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज आप यूज कर सकते हो। क्या भैया, एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द बेस्ट वे, बोला और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे यूज किए जाते हैं जिंदगी में, लाइफ में, ऑल्सो चीपेस्ट वे प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ कलेक्टिवली की बात हो रही कि आप चीप प्राइस में, कम पैसे में आप क्या कर सकते हो कि आप कम पैसे में आप अच्छी फैसिलिटी आपको मिल सकता है, कलेक्टिवली आपको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यार आपके एरिया में, ठीक है, बहुत ज़्यादा चोरी होती है, तो आप क्या करेंगे, उस डर से आप अब सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे ना। तो हर एक इंसान जब सिक्योरिटी गार्ड रखना स्टार्ट कर दे तो हो सकता है कि उसके जो कॉस्ट ज़्यादा आएंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सभी मिल के एक सिक्योरिटी गार्ड रख ले तो फिर कॉस्ट कम हो जाएंगे ना। उस चीज़ को दिमाग में रखिए फिर पढ़िए। एक्चुअली द मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ बेस्ट वे आल्सो द चीपेस्ट वे प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। बात समझ में आ रही, क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। केरला हैज लो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन द बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। केरला की अगर बात की जाए तो बोल रहा है कि वहाँ पे इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ के लोग जो बेसिक फैसिलिटीज है, हेल्थ की जो बेसिक फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और एजुकेशन पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्लियर बेटा? जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट भी क्या है, कम है। इन अदर या सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस फंक्शंस वेल। क्लियर बेटा? वहाँ पे पीडीएस वगैरह भी कह रहा है कि अच्छा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अच्छा है, वहाँ पे जो पुअर लोग हैं उनको भी टेक केयर करती है गवर्नमेंट, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट वन आता बेटा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कि भाई हम अपने को फ्यूचर में कैसे सस्टेन रखें, फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। बात समझ में आ रही, हाँ या ना। उसे कैसे सस्टेन कर सकते हैं, कैसे, आइए देखेंगे। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड डेवलप, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि डेवलप हैं, यस वी वुड सर्टनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट गो फॉर फर्दर, ठीक है। आप उस डेवलपमेंट को भी आप बहुत इंजॉय करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। टू मेंटेन द फ्यूचरिस्टिक द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century, 20th century में क्या कह रहा बेटा, साइंटिस्ट हैव वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल जनरेशन। जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिस लेवल से डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट से फ्यूचर जनरेशन खत्म होने वाली है। बात समझ में आ रही, फ्यूचर, हाँ या ना। द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल जनरेशन, जो लेवल ऑफ जनरेशन और डेवलपमेंट है नेक्स्ट जनरेशन के लिए बड़ा डेंजरस है। किसने वार्न किया बेटा? साइंटिस्ट लोगों का कहना है। क्या है, चलो आगे देखते हैं। ग्राउंड वाटर इन इंडिया, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बेटा, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, कि इंडिया के ग्राउंड वाटर की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे। यस, आपको भी पता है कि 70% भाई पानी है, फिर भी पानी की भी बात क्यों कर रहे हो। आएंगे, नियरली 1/3 ऑफ द कंट्रीज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्वर्स। आप भी जाते हो, नहाने जाते हो, टॉप ऑन कर देते हो, आप पता नहीं कितने घंटे नहाते रहते हो, मम्मी नॉक पे नॉक करती रहती है लेकिन आप आने का नाम नहीं लेते हो, आप पता नहीं कैसे कैसे नहाते हो। समझ में आ रही बात, हाँ या ना। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड द एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चर, और स्पेशली ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा जो यूज होता है बेटा, कहाँ पे यूज होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हार्ड रॉक प्लेटियो एरियाज, सेंट्रल एंड द साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरियाज, रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट, और यहाँ भी बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट्स हो रहे हैं, लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। समझ में आ रही बात, तो दिस ऑल आर द रीजन फॉर ग्राउंड वाटर इन इंडिया। समझ में आ रही बात, जिसकी वजह से जो रिजर्वर्स है, पानी 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 है, वो कम होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्स, ये तो सही बात है कि जो वाटर है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन बेटा फिर भी इसका ओवर यूज किया जा रहा है, हाँ या ना। लॉसन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब ये क्या है बेटा, यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है कि ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए बेटा, तो ठीक है, जो ऑयल रिजर्वर्स है 1000 million barrels, 808,000 million barrels इनके पास, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 17 years के बाद ये खत्म हो जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर बात की जाए तो इनके पास 15,000 million barrels है, और ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि 10.5 years में खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की अगर बात की जाए, टोटल 1697, 15 years की बात हो रही ऑन एन एवरेज बेटा, कि ये एग्जॉस्ट हो जाने वाले, खत्म हो जाने वाले।
कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम द अब्रॉड, ठीक है, क्योंकि हम इम्पोर्ट करते हैं अब्रॉड से. वाई? बिकॉज दे हैव नॉट इनफ स्टॉक ऑफ देयर ओन स्टॉक. बात समझ में आ रही? हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फॉरेन कंट्रीज से हम क्या करते हैं बेटा, ऑयल इम्पोर्ट करते हैं. ठीक है, अब क्या होगा जब आप इम्पोर्ट करेंगे? इफ प्राइसेस ऑफ ऑयल इंक्रीजेस बिकॉज बर्डन ऑफ एवरीवन. जब भी प्राइस इंक्रीज होगा बेटा तो बर्डन सभी पे आ जाएगा ना. अगर जहां पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक सारे गुड्स की प्राइस बढ़ जाने का है. समझ में आ रही बात? तो ये बर्डन सारे लोगों पे आने का है. और रीजन क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये सभी क्या हो जाने का, एग्जॉस्ट हो जाने का, खत्म हो जाने का. दे आर कंट्रीज लाइक यूएसए विच हैव लो रिजर्व एंड हेंस दे वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू द मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर. बात समझ में आ रही है? तो ये जो यूएसए के बात की जाए तो इनके पास रिजर्व बहुत ही कम है, ठीक है, जिसके वजह से ये क्या करते हैं कि टू सिक्योर ऑयल थ्रू द मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर, जिसकी हेल्प से ये क्या अपने आप को सिक्योर करना चाहता है मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर के हेल्प से. आ रही बात समझ में? तो बेटा ये था आपका ओवरऑल चैप्टर. आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा. अगर ऐसा है तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहते.